और आज बात होगी दरवाजों की। दिल्ली जिसके चारों तरफ 14 दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे कुछ गेट्स जिनका नाम आपने सुना है, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, इसी प्रकार से 14 गेट हैं जिसमें से 6 अभी बाकी हैं। ये गेट्स सुरक्षा के लिए थे, लाल किले की और दिल्ली के सल्तनत की सुरक्षा के लिए। हर दरवाजे का अपना एक इतिहास है, अपना एक महत्व है। खूनी दरवाजा, 22 सितंबर 1857, एक बड़ा भारी युद्ध जो चल रहा था भारत में, जिसमें हिंदू और मुसलमान मिलकर के अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। लेकिन आखिर में अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तो बहादुर शाह जफर के 2 लड़कों और 1 पोते को उन्होंने इसी खूनी दरवाजे पे मारा और लाशों को लटका दिया, पब्लिक का स्लॉटर हुआ। इसी प्रकार से बड़े सारे इतिहास इन दरवाजों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हिमांशु अपनी टीम को लेकर इंडिया डेयर्स की, इन्होंने सभी दरवाजों का दौरा किया, क्या इतिहास मिला आपको हिमांशु? सर पहले बात करेंगे हम खूनी दरवाजे की, जिसको पहले लाल दरवाजा कहा जाता था, लेकिन इसका नाम फिर खूनी दरवाजा पड़ा। इसका रीजन ये था कि ये बहुत ही बोला जाता है, एक आज के टाइम में तो खैर से हॉन्टेड दरवाजा भी बोलते हैं, भूतिया दरवाजा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खून बहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे 3 शहजादों का यहाँ पे कत्लेआम हो गया था, तो विलियम हडसन थे उस टाइम पे, उन्होंने उनको पहले गोली मारी 3 शहजादों को, उसके बाद उनको नग्न किया और उनकी लाश को यहीं पे सड़ने के लिए इधर ही छोड़ दिया था उन्होंने। और भी 14 दरवाजे थे जिनमें से खैर अब तो बचे नहीं है, मात्र 6 दरवाजे हमारे पास बाकी बचते हैं। कश्मीरी गेट भी हम सुनते हैं, जहां बस अड्डा भी है हमारा। हाँ, कश्मीरी गेट है। उस दरवाजे को बनाने का मेन मकसद ये था कि वो रास्ता कश्मीर की ओर रुक करता था। खैर पहले तो इसका मतलब एक ही एंट्रेंस बनाया था, लेकिन अब जब अंग्रेज आ गए थे उन्होंने इस दरवाजे को मतलब इसमें एक और गेट बना दिया, इसमें 2 गेट बना दिए थे, तो उन्होंने इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया, बाकी तो वैसे एज इट इज़ है। एक तुर्कमान गेट भी है, तुर्कमान गेट पे भी काफ़ी हादसे हुए हैं, यहाँ पर भी युद्ध के टाइम पे यहाँ पर भी काफ़ी मतलब भगदड़ मची थी और यहाँ पे मीडिया को भी अलाउड नहीं किया था, बहुत लोगों को यहाँ पे गोली मार के यहीं पे मरने के लिए और सड़ने के लिए छोड़ दिया था। तुर्कमान गेट इसलिए भी फेमस है कि इमरजेंसी के टाइम पे संजय गांधी जी ने यहाँ पे काफी एक्शन किया था, जिसके लिए थोड़े से अनपॉपुलर भी हुए थे जी। और सर एक आता है फिर हमारा निगमबोध गेट। निगमबोध गेट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके साइड में एक शमशान घाट है जो काफी पुराना है, और उस शमशान घाट को बोला जाता है कि ये पांडवों के समय से यहाँ पर है, तो इसलिए इस गेट का नाम पड़ा था निगमबोध गेट। लेकिन अगर अब हम जाते हैं निगमबोध गेट को देखने तो वहाँ पर कोई गेट है ही नहीं, वैसे ऐसे कोई गेट नहीं है वहाँ पे, बट एक नाम है जो चल रहा है और सिर्फ एक आर्क बनी हुई है जिसको निगमबोध गेट बोला जाता है वहाँ पे। इंडिया डेयर्स की टीम गई, इन दरवाजों पर रिसर्च की, सारे दरवाजों पर हम गए और एक एक दरवाजे की हमने बारीकी से खोजबीन की, एवं हमने इतिहासकारों से बात की, सबकी सलाह ली, और उसके बाद हमने एक खूबसूरत वीडियो तैयार की है। आइए देखते हैं पूरा इतिहास इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेयर्स में, और आज हम आपको कुछ ऐतिहासिक दरवाज़ों से रूबरू कराने जा रहे हैं। इन दरवाज़ों से जुड़े सारे रहस्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं खूनी दरवाजे से। आखिर इसका नाम खूनी दरवाज़ा क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। 22 सितंबर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विलियम हडसन ने 3 शहजादों की गोली मारकर हत्या कर दी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के आत्मसमर्पण के अगले ही दिन विलियम हडसन ने 3 शहजादों को भी आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। उसके बाद जब वो इन 3 शहजादों को हुमायूं के मकबरे से पुराने किले की ओर ले जा रहा था तो उसने इनको इसी दरवाजे पर रोका, उसके बाद नग्न किया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शवों को कोतवाली ले जाकर इसी अवस्था में प्रदर्शित कर दिया गया। और भी कई सारी घटनाएं इस दरवाजे से जुड़ी हुई हैं। जब अकबर के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बना तो अकबर के कुछ नवरत्नों ने उसका विरोध किया, तो जहांगीर ने उनमें से एक को इसी दरवाजे पर मरवा डाला और लाश को यहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे ही औरंगजेब ने भी अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हरा कर उसका सर कलम कर दिया और उसका सर इसी दरवाजे पर लटका दिया। एवं भारत के विभाजन के दौरान हुए दंगों में भी पुराने किले की ओर जाते हुए कुछ शरणार्थियों को भी यहाँ पर मार दिया गया था। सन 2002 में यह दरवाज़ा फिर से कुख्यात हुआ, जब 3 लोगों ने यहाँ पर एक महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन इस घटना के बाद इस दरवाजे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था।
अब हम आ पहुंचे हैं दिल्ली गेट पे। 17वीं शताब्दी में बने उन 14 गेट्स में से एक है जिन्हें शाहजहां ने लाल किले के आसपास शाहजहानाबाद के लोगों और लाल किले की सुरक्षा के लिए इन गेटों को बनवाया गया था। उस समय ये 14 दरवाजे ही आने जाने का एकमात्र जरिया थे और यह सभी दरवाजे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक मोटी दीवार इन दरवाजों को आपस में जोड़ती थी जो कि अब ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली गेट शाहजहानाबाद का दक्षिणी पूर्वी दरवाजा है। इसके साइड से जो सड़क जाती है उसे पहले ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता था। तो अब हम चलते हैं तुर्कमान गेट की ओर और बताएंगे आपको तुर्कमान गेट का इतिहास। तुर्कमान गेट शाहजहानाबाद की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित 14 प्रवेश द्वार में से एक है। 1658 ई में इस गेट का नाम तुर्कमान के नाम पर पड़ा जिन्हें इस गेट के पास ही में दफनाया गया था। दिल्ली गेट की तरह यह गेट भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में सही सलामत है और इसी के साथ में हजरत शाह तुर्कमान की दरगाह भी स्थित है। तो आइए अब चलते हैं अजमेरी गेट की ओर। आखिर इस दरवाजे का नाम अजमेरी गेट क्यों पड़ा? इसे अजमेरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगल काल में मुगल बादशाह इस दरवाजे से अजमेर की ओर जाया करते थे। यह दरवाजा दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसकी एक साइड में बगीचा है और दूसरे साइड में बहुत बड़ा बाजार। तो आइए अब चलते हैं कश्मीरी गेट की ओर। इस गेट का प्रयोग मुगल बादशाह तब करते थे जब उन्हें कश्मीर की ओर रुख करना होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं इस दरवाजे में आपको दो दरवाजे नजर आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यह एक दरवाजा जो है वह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद। सिर्फ यही एक दरवाजा है जहां पर दो दरवाजे बने हुए हैं, बाकी हर जगह सिर्फ एक ही दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। और अब हम चलते हैं निगमबोध गेट की तरफ और आपको बताते हैं इसका इतिहास। निगमबोध गेट निगमबोध घाट के पास है। माना जाता है कि यह शमशान घाट महाभारत काल के समय से यहाँ पर स्थित है और इसी शमशान घाट के नाम पर इस निगमबोध गेट का नाम भी पड़ा था। खैर आज के समय में अगर देखा जाए तो इस दरवाजे का जैसे कोई महत्व ही नहीं रह गया है। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें यह दरवाज़ा मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं इस दरवाजे का महत्व जैसे कि अब ख़त्म सा होता जा रहा है। पूर्व काल में यह 14 दरवाजे हुआ करते थे जिनमें से अब 5 शेष बचे हैं और उनकी भी स्थिति कुछ खास नहीं है। बस कुछ दरवाजे और इनसे जुड़ी कुछ यादें ही शेष रह गई हैं। खैर तो यह था हमारे आज के रहस्यमय खोजबीन में और इंडिया डेयर्स की टीम आगे भी अपनी खोजबीन जारी रखेगी। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।